एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको हमस। हमस कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमने ये 1.5 कप छोले को रात भर सोक किया पानी में और सुबह फिर उसको उबाल लिया प्रेशर कुकर में। बहुत सॉफ्ट हो जाने चाहिए ये, देखिए ऐसे सॉफ्ट, अच्छे सॉफ्ट ये चने हो जाएं। और इसमें हमने 1 पिंच ना सोडा डाल के उबाला है। 6 से 7 हमने गार्लिक ले लिया है, उनको मैंने तवे पे रोस्ट कर दिया है। 1/2 कप मैंने ताहिनी पेस्ट लिया है और कुछ रेड चिली पाउडर है। भुना जीरा हमने 1 टेबलस्पून लिया है, 1 टेबलस्पून उसका भुना जीरा का पाउडर लिया है। 1 हमने लेमन का ये जूस लिया है और 2 टेबलस्पून हमने ऑलिव ऑयल लिया है। और सॉल्ट डालेंगे थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये हमने रेडीमेड पीटा ब्रेड ली है, देखिए इस टाइप की आती हैं। तो आइए आपको सिखाते हैं यम्मी सा हमस कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम ग्राइंडर जार में डालेंगे ये चने, उबले हुए चने, और इसमें से ये 8-10 चने हम गार्निश करने के लिए रख लेंगे। अब डालेंगे हम तवे पे रोस्ट किया हुआ गार्लिक। अब इसमें डालेंगे हम ये ताहिनी पेस्ट। इसके बाद हम डालेंगे लेमन जूस, ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल हम गार्निश करने के लिए रखेंगे। भुना जीरा भी हम थोड़ा सा गार्निश करने के लिए रखेंगे और थोड़ा सा रेड चिली। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें आइस क्यूब्स, इससे ना ये क्रीमी टेक्सचर आएगा इसका। और अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। इसमें थोड़ा हम नमक भी डालेंगे। और देखिए हमने इसको चला के देखा है, बहुत थोड़ा थोड़ा हम ऑलिव ऑयल और ये ऐड कर सकते हैं। देखिए इतना ऑलिव ऑयल मैंने बचाया हुआ है, तो मैं और थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच के करीब, क्योंकि अगर ये बहुत थिन हो गई ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसमें 1-2 क्यूब आइस के या बिल्कुल चिल्ड वाटर डालेंगे, बहुत ही थोड़ा सा, और इसको फिर चलाएंगे। ये देखिए अब ये परफेक्ट बन गई है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट है हमस। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे, चम्मच से थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। अब हम गार्निश करते हैं इसको, जो हमने चने रखे थे, उबले हुए चने कुछ निकाल के रखे थे, उबले हुए चने से ऊपर से डालेंगे थोड़ा ऑलिव ऑयल, और इसके बाद भुना जीरा, ये देखिए आप स्प्रिंकल कर दीजिए, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है ना, आप चाहें आपको अच्छा लगे तो डालिए। और ये झटपट से बनने वाला हमस बनकर तैयार है। आप पीटा ब्रेड से खाइए, फलाफल से लीजिए, बहुत ही टेस्टी। ये मैं पीटा ब्रेड को ना गैस पे ही रोस्ट कर रही हूँ, मुझे एकदम से जल्दी में जाली भी मिली नहीं, अदरवाइज जो जाली आती है ना आप उसके ऊपर, जिसके ऊपर पापड़ रोस्ट करते हैं, ऐसे आप रोस्ट करके खा सकते हैं। तो जब भी मैं पीटा ब्रेड बनाती हूँ घर में तो इसी तरह से रोस्ट करके हमस के साथ खाते हैं। तो मैंने सोचा जल्दी से हमस बनाया तो आपको ये पीटा ब्रेड भी दिखाऊंगी कैसे बनती है। तो इस टाइप से मैं चारों तरफ से इसको रोस्ट कर लूंगी। इस टाइप से ना हमने इसको रोस्ट कर लिया है तवे पे, तो मुझे तो पता नहीं कि ये रोस्ट करके ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके पीसेस कट करते हैं, ये हमने ऐसे ही एक और ब्रेड के इस तरह से पीसेस कट कर लिए हैं। आप ऐसे खाएंगे ना तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है। ये देखिए आप कितना बढ़िया से ये नाचोस की तरह पीसेस हमने कर लिए हैं, और ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी लाजवाब है, मैंने टेस्ट करके देखा है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने ताहिनी पेस्ट ना 1/4 कप ही डाला है उसमें से, तो आप 1/4 कप ही डालिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको पूरे इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी कितना कितना मैंने यूज किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।